और बड़ी खबर क्यों रुकेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहाँ पर बता दें फतेहाबाद से, जहाँ पर मूसेवाला केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी अपडेट ये कि मूसेवाला केस में हिरासत में दो युवक, जी हाँ इस केस में अब ये दो और हिरासत में लिए गए दो युवक गाँव उगड़ावाली से गिरफ्तार एक युवक किया गया है। वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया इस शख्स को, इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले भी दो की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और अब तक फतेहाबाद से छह लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। रमेश कुमार फतेहाबाद से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमेश, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में फतेहाबाद से अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में कहीं ना कहीं से संलिप्त उन आरोपियों की। जो हत्या में युद्ध हुई थी उस बोलेरो के अंदर जब अपराधी हत्या को घटना को अंजाम देने के बाद भागे थे तो पंजाब पुलिस ने उस बोलेरो गाड़ी से बिसरा गांव के पेट्रोल पंप से जहां हथियारों ने तेल डलवाया था उसकी पर्ची बरामद हुई थी। उसी को आगामी जांच से जोड़ते हुए यहां मेडाना गांव से पवन वन स्थित दो युवकों को हिरासत में लिया गया था। कल दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम द्वारा पवन में प्रत्येक दो युवकों को हिरासत में लिया गया है। आज तक दिल्ली पुलिस ने यहाँ दस्तक दी है जिसमें काला और जो विक्रम है दो युवकों को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने साथ ही रास्ते में लेके गई है। जी रमेश, क्या इनकी भूमिका रही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में, अभी इसका खुलासा हो पाया है क्या? देखिए बताना चाहूंगा कि यहाँ फतेहाबाद में एक सावरिया होटल है जिसमें पवन गुजर और प्रदीप वह विक्रम और काला इनके पार्टनरशिप बताई जा रही है। जो हत्या के आरोपी थे ये 14 घंटे जो यहाँ रुके थे, सूत्रों के माने तो प्रियत फौजी और अंकित यहाँ हत्या को अंजाम देने से पहले 14 घंटे यहाँ पर इस होटल में रुके गए थे। जो हिसार के अंदर जो अभी हत्या के बाद जो हथियार बरामद हुए थे क्रिमारा गांव से रमेश के घर, उसने पूछताछ में ये खुलासा किया है। उसी के आधार पर जो दिल्ली क्राइम जो टीम है यहाँ जो लगातार छापेमारी कर रही है, अब देखना ये है कि दिल्ली क्राइम टीम द्वारा जो अभी चार युवकों को यहाँ से हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ में क्या बड़े खुलासे होते हैं। जी जी रमेश, इससे पहले भी दो जो हिरासत में लिए गए थे शख्स उनके भी बताए जा रहे थे और उनके भी तमाम ठिकानों पर जो छापेमारी है वो की गई थी और आज ये दो गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई हैं। अभी जानकारी क्या मिल पा रही है, क्या आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां इनसे पूछताछ के बाद हो सकती है और इनके बाकी के ठिकानों पर भी जो छापा है वो मारा जा रहा है और जो दो लोगों को हिरासत में आज लिया है क्या इनके खिलाफ पहले से भी कोई मामले जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे पहले से कोई मामले जो है वो दर्ज है? देखिए बताना चाहूंगा कि जो कल जो दिल्ली क्राइम टीम द्वारा जो पवन व प्रदीप नामक युवकों को हिरासत में लिया गया था, प्रदीप के खिलाफ यहाँ फतेहाबाद में कई जो आपराधिक मामले दर्ज हैं। वही जो पवन गुज्जर है इसके खिलाफ भी एक फतेहाबाद के प्रॉपर्टी डीलर ने शिकायत दे रखी थी कि उससे जो पवन गुज्जर फिरौती मांग रहा है जिसके खिलाफ इनके खिलाफ यहाँ मामला दर्ज है, लेकिन फतेहाबाद पुलिस इनकी गहनता से जांच कर रही है। बता दूं कि अभी तक जो फतेहाबाद से 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है जिसमें से दो युवकों को जो पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया था और चार अभी युवकों को जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जी अच्छा रमेश, क्योंकि अभी इनके खिलाफ क्या कुछ साक्ष्य जो है वो मिले हैं या किसी तरह सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ यहाँ पर लगी है जिसके बिना पर इन्हें हिरासत में लिया गया है? देखिए बताना चाहूंगा कि हत्या के बाद जो सिरमारा हिसार के गांव पे जो रमेश के घर हथियार बरामद हुए थे, सूत्रों के माने तो जो प्रदीप था ये जो हथियार जो सिरमारा रमेश के घर छोड़ के आया था। जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने जब हथियार रमेश के घर से बरामद किए थे तो उसके बाद जो रमेश ने ही ये खुलासा किया था कि प्रदीप पवन गुज्जर और ये जो काला है ये जो होटल चलाते हैं फतेहाबाद में, जो प्रियवर्त फौजी अंकित जो है जो हत्या से पहले 14 घंटे यहाँ फतेहाबाद के 207 नंबर रूम में इनके रूम में रुके थे, उसके बाद जो दिल्ली क्राइम टीम ने यहाँ फतेहाबाद में दस्तक दी है और अब तक जो दिल्ली क्राइम टीम ने चार युवकों को जो अपनी हिरासत में लिया है। जी रमेश, क्योंकि लगातार छापेमारी यहाँ पर चल रही है और लगातार हिरासत में जो है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये यहाँ पर जो मोटिव है वो यहाँ पर समझ से परे है कि आखिर इनका इन्हें कौन संपर्क कर रहा था या ये किसके संपर्क में थे, किसने इनको इसमें जो भूमिका थी वो यहाँ पर निभाने को कहा था और कहाँ से ये पूरा जो कंट्रोल है नेटवर्क वो यहाँ पर किया जा रहा था, तो क्या इन हिरासत में लेने के बाद क्या इसका भी खुलासा हो पा रहा है या अभी और कई गिरफ्तारियां हैं? क्योंकि फतेहाबाद में अब तक सबसे ज्यादा हिरासत में जो आरोपी हैं वो लिए गए हैं जिनका इसका सीधा जो कनेक्शन है वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। देखिए बताना चाहूंगा कि हत्या के बाद जो सबसे पहले यहाँ जो पंजाब पुलिस ने यहाँ दस्तक दी थी, क्योंकि हत्या में जो बोलेरो यूज की गई थी वो फतेहाबाद के बिसला गांव के जो सीसीटीवी सामने आया था जिसमें जो पर्वत फौजी जो उस गाड़ी में तेल डलवा रहा है। बता दूं कि जो उस वक्त जो पंजाब पुलिस ने जो बिडाना गांव से दो युवकों को पवन व नसीब को हिरासत में लिया था तो नसीब ने यह खुलासा किया था कि वो जो बोलेरो गाड़ी जो हत्या में यूज हुई थी वो राजस्थान के रावसर से लेके आया था
उसके बाद फिर जो दूसरा जो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने या जो दस्तक दी है, जो रमेश है जो किरमारा गांव हिसार के रहने वाला है, उसने ये बताया कि जो प्रदीप है जिसने हत्या के बाद जो हथियार जो हिसार तक उसके पास पहुंचाए थे, और जो पवन गुज्जर है उनका एक होटल है फतेहाबाद में सावरी होटल के नाम से, जहाँ 200 रूम नंबर 7 में जो ये जो हत्यारोपी थे वो यहाँ रुके थे। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।